हरे कृष्णा, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, इससे पहले हम एक ही भजन सारेगाम से पूरा बताया नहीं, लेकिन हम अलग अलग स्कूलों से बताया, दो स्कूल से बताया था, ये वाला स्कूल से, ये वाला स्कूल से। ठीक है, आज हम प्रयास करेंगे जितने भी सॉफ्ट टोन है उसी टोन को हम सॉफ्ट से गाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण, शुरू शुरू में हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं कोई, तो उसको तो सारे काम अवश्य बजाना चाहिए। तो पहले हम सारे काम को बताएंगे, फिर इस वीडियो में भी जैसे दो काले टोन हैं, दो तीन टोन हैं, काले टोन तीन हैं, दो है तीन है, दो है तीन है, हर वीडियो में हम बता देते हैं। तो टोटल पांच पांच टोन हैं, पांच स्केल हैं, पांच चाबी हैं, दो चार तीन, दो तीन, दो तीन, ऐसे पांच पांच पांच, इन पास 15 हैं काले वाला। इसके भी सफेद वाला भी हैं, जो पास हैं, ये पास वाला स्केल है, पास काले टोन है, इसके नीचे हैं 7 टोन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 12 टोन हैं। तो हमारा टोन है, जो गाना गाते हैं कोई भी व्यक्ति, जो भी आवाज़ निकालते हैं, हमारा 12 स्वर होता है, 12 टोन होता है स्वर। आवाज का जो जो कला है 12 प्रकार है, उसी के हिसाब से हारमोनियम। ठीक है, मान लीजिए हम पहले हम बताया था सा, इसी से सा बदन है, 1 2 3 4 5 नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 12। लेकिन हम यह सा बजा रही है, सा के आगे से 12 की गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती का 12 टोन। लेकिन प्रत्येक टोन, प्रत्येक जितने भी टोन है इसके लिए चाबी हैं, उसमें हम नहीं पकड़ रही, हम पकड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्केल को हम पकड़ते हैं। और आगे वाला जो सा बजाते हैं, ये वाला एक सा, ये भी सा, ये ऊपर वाला सा है, इसको हम पकड़ लेते हैं। देखिए, सारी सारे काम को प्रतिदिन डेली प्रैक्टिस करना, गाना पुराना सीख गया हो फिर भी आपको सारे काम को प्रैक्टिस करना है। इससे इससे नीचे भी कर सकते, नी, जैसे ये सा है, नी है, ये सा है, ये नी है, बराबर है, सा नी धा, ये भी सीधा है, ये धा है, सा है, सा है, ये धा है, ये धा है, पा माँ, ये माँ, ये माँ, ये जितना भी आगे इधर से जाएंगे डाउन, हमारा आवाज़ को डाउन होगा, ऊपर जितना भी जाएंगे आवाज़ हमारा ऊपर हाई होगा। ठीक है, पहले हम दो वीडियो अपडेट किया था, अपलोड किया था, इसमें साबत जो अभी जो साबत आया, इसी से हम उनको गाया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार। अभी हम सपेट, जितने भी सपेट है सपेट से गाएंगे उसी टोन को।
देखिए, अच्छे से देखिएगा। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे गया है एक हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्केल में हैं, छः चाबी, छः चाबी हैं, छः चाबी हैं, इसी से हम इस टोन को गाया है। इस टोन में हॉट टोन में दो स्टेप होता है, सेकेंड एक फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है गाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे टोन में। इसको सारेगम मान लीजिए, इसी में हम सारेगम बजाएंगे। कैसे बजाएंगे? ये जो दो ब्लैक टोन है, दो टोन है, अब तीन टोन है ब्लैक टोन। ब्लैक टोन के बाएं और है, देखिए दो सफेद टोन है नीचे, ये सफेद टोन राइट एक लेफ्ट है, तो ये राइट वाला है, ये सा है, ये वाला सा है। सफेद के जितने भी टोन हैं, अगर सफेद से सारे गम बजाएंगे आप, सा 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 रे गम प ध नी छ सा नी ध प म ग नी सा रे ध प ध नी छ सा रे ग
से पहले दो वीडियो में हम कोशिश बताए हैं, इस वीडियो में हम कोशिश बताएंगे। देखिए क्या चीज है, आपको अगर लिख लीजिए डायरी में सा रे गा मा पा धा नी सा, आठ डायरी में लिखिए, आठ जगह में, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस प्रकार लिखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस प्रकार लिखिए। हम लीजिए कलम से लिख रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, लिखिए। इंग्लिश में लिख सकते, हिंदी में लिख सकते, बंगाली में भी लिख सकते, ठीक है, जो भी अपना भाषा है। इंग्लिश में लिखेंगे अच्छा है, कैसे लिखेंगे, एस ए ना लिखकर आप लिखेंगे डायरेक्ट सा, सा सा मतलब सा, रे मतलब आर, आर लिखना है, आर आर, गा गा मतलब गा लिखना है, गा, मा मा मतलब मा लिखना है, एम एम लिखना है, मा, पा प लिखना है, पी, धा मतलब डी लिखना है, पौधा नी मतलब एन लिखना है, नी सा मतलब सा, साल के ऊपर ऊपर मार्क देना है, ठीक है, सारे गामा पौधा नी सा। हमारे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड होते तो हम पेन से हमको लिखा सकते थे, ये हमारे पास बोर्ड नहीं है इसलिए हम देखा नहीं पा रही है। इस प्रकार लिखिए, तो सा के बगल में है एक एक स्केल छोड़ जाएगा, जैसे पहले सा रे के बीच में एक स्केल छोड़ा था सा, इसी प्रकार सा रे इसके बगल में बिलक बड़ा हम छोड़ रहे, सा रे का मतलब गा, एक गा के बीच में एक स्केल हम छोड़ रहे, सा रे गा। अब देख लीजिए गा के बगल में जो स्केल है वो मा होता है, सा रे गा मा, जैसे गा ए मा, इसी प्रकार एक गा है ये मा है, गा मा पा, धा नी सा बराबर हमेशा कोई किसी भी स्केल में इधर उधर बजाओ, नी सा बगल में होता है एक साथ होता है और गा मा एक साथ होता है, दो दो चीज है, दो गा मा नी सा बराबर होता है, गा मा सा नी एक साथ होता है, दोनों स्केल एक साथ बराबर होता है, कोई भी जाओ, अगर इधर सा बजा रही है तो सा बजा रहे तो ये नी एक साथ होता है, गामा एक साथ, नी सा एक साथ, इसी प्रकार सा रे सा नी एक साथ, ठीक है। इसी जगह में आप सा पकड़ के बजा सकते हैं, यह भी सा बजा सकते, यह भी सा बजा सकते, यह भी सा बजा सकते, तो सा बजा सकते मतलब क्या है, तो सा री गामा, इस प्रकार सा री गामा पादानी सा, इस प्रकार सा री गामा पादानी सा नी सा, इस प्रकार। और इसके में सारे गम बजाएंगे तो सिस्टम एक ही है, मतलब सा के बगल में एक स्केल छोड़ दी के छोड़ के एक स्केल है वो रे, रे की इसके एक स्केल छोड़ के दूसरा बल्ला गा, गा के साथ साथ जो स्केल हैं वो मा, मतलब इधर बजाओ इधर बजाओ कोई भी बजाओ, इधर से बजाओ और इधर से बजाओ, इसे मा सा सा रे गा मा गा मा गा मा, ठीक है। माँ के बगल में एक स्केल छोड़ना है, माँ छोड़ के एक स्केल में माँ पा 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 के एक स्केल छोड़ना, पा धा के बीच में हम स्केल छोड़ दिए, पा धा धा के बगल में एक स्केल छोड़ दिए, छोड़ के हम नी, इसको नी बताना, नी सा, इस प्रकार। तो हर एक जगह में एक ही फॉर्मूला आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी हारमोनियम किसी भी शादी में बजा सकते हैं, ऐसे इसमें बजाएंगे सा री गा मा पा धा नी सा, फॉर्मूला एक ही है, मतलब सा नी सा, सा नी सा नी सा नी, धा पा पा
आ गा रे सा इसको कहते हैं। तो हम उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको आप फॉलो कीजिए। इस वीडियो में ई रे सा है। सा री ग म प द नी सा सा नी ध प म ग रे सा कम है, इसलिए हम डायरी के साथ आपको दिखा नहीं पा रहे। आगे समय हो तो हम डायरी के साथ आपको दिखाएंगे, डायरी के साथ लिख के बताएंगे। सारी हरी ग हरी ग म प द ध Bye.
पहले बताया था कोमल टोन है, अभी तीव्र टोन है, कोमल टोन है, इसको ध्यान देना चाहिए। देखिए सा नी, तो ये जो उसके जो एक्स्ट्रा जो पकड़ लिया था नी है, इधर ऐसे नी है, वो उस नी उस दूसरा वाला नी, नी को पकड़ लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हो क्षमा कीजिए, हमारा प्रयास है, हम प्रयास कर रही हैं आपके पास पहुँचाने के लिए, हारमोनियम कला को सिखाने के लिए। हम इतना प्रोफेशनल हारमोनियम वादक नहीं है, हम भगवान के सामने कीर्तन करते हैं, इसलिए हम गाते हैं। हमारा प्रयास है हमारे प्रयास से कोई भक्त सीखे, भगवान के सामने कीर्तन करे। हरे कृष्ण, अगर वीडियो को अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो अच्छा है बुरा है। अगर आपके पास कोई कौन है और उनको हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे हम फेसबुक का लिंक दिया है, उस लिंक पर आप फेसबुक पर जाके मैसेंजर में अपना टोन को रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं। तो वो हमें इसी टोन को हारमोनियम में बजाना है, सीखना है, तो हम जरूर मदद करेंगे आपके लिए, प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।